नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं दिन भर के 25 बड़ी खबरों पर। बिहार में 1444 नए कोरोना संक्रमित मिले, इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,24,827 हो गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहली वर्चुअल रैली 6 सितंबर को होगी। विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जारी किया बयान, 220 सीट जीतेगा एनडीए, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। पटना के जिस मंदिर में आखिरी बार सुशांत ने की थी पूजा, जल्दी न्याय के लिए उनके फैंस ने किया वहां हवन पूजन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक हफ्ते में चालू हो जाएगा 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट और गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। पटना में निर्भया फंड से वाहनों में लगेंगे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने उठाया यह कदम। राघोपुर से फारबिसगंज तक कार्य प्रगति पर है, इसी वित्तीय वर्ष में फारबिसगंज तक बड़ी रेल लाइन का काम पूरा करने की योजना है, ये जानकारी समस्तीपुर मंडल के DRM अशोक महेश्वरी ने दी। अच्छी पहल, पटना जंक्शन पर जहां तहां नहीं दिखेगा कचरा, बनेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जिससे मिलेगी बायोगैस। बिहार पुलिस आधुनिकीकरण की ओर, साइबर अपराधियों पर अब कसेगा सिंकंजा, ट्रेनी DSP को दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। सारण जिले में कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान गई जान, 10 लाख का बिल थमा सबको सौंपने से किया इनकार, डॉक्टर समेत 6 पर केस हुआ दर्ज। बिहार के BEd कॉलेजों में नामांकन के लिए 22 सितंबर को CED BEd 2020 परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर पूर्व विधायक के स्टाफ से लूटे 26.45 लाख रुपए। नक्सली गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जम्मू कश्मीर से बिहार आ रही है CRPF की 7 कंपनियां। पटना में आज से फल सब्जी मांस और मछली की दुकान सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक ही खुली रहेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव, 12 सितंबर को मधुबनी से भाजपा का चुनाव प्रचार की जमीनी शुरुआत करेंगे नड्डा, नीतीश से भी करेंगे मुलाकात। राजनीतिक उठापटक के बीच रामा सिंह बोले, RJD के बड़े नेताओं से हो चुकी है बात, हरी झंडी मिलते ही पार्टी में होंगे शामिल, कहा रघुवंश प्रसाद ने राजद के लिए किया क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, बूथ मैनेजमेंट और जातिगत समीकरण को लेकर हुई चर्चा। कलंकित हुआ माँ और बच्चे का रिश्ता, बिहार के शिवहर जिले में अस्पताल के शौचालय में नवजात को छोड़कर फरार हुई मां, आशा कार्यकर्ताओं ने ओढ़ाया ममता का आंचल। इंसाफ के लिए हवन पूजन, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पटना में फैंस ने किया हवन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीट नहीं सम्मान के चलते छोड़ा महागठबंधन, 30 अगस्त तक लेंगे फैसला कि यह चुनाव किसके साथ लड़ना है। पटना के जक्कनपुर में छत के रास्ते घर में घुसकर 6 लाख की गहने की हुई चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुई चोर की तस्वीर। पटना, राजेंद्र नगर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन PPP मोड पर होंगे अल्ट्रा मॉडर्न, व्यवसायिक हब के रूप में अब दिखेंगे। सुशांत सिंह केस में लगा नया आरोप, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दावा, ऑटोप्सी में जानबूझकर देरी की गई ताकि जहर पेट में घुल जाए और रिपोर्ट में ना आए। बिहार,
कोरोना के चलते मेडिकल छात्रों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का लिया गया फैसला, नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 अन्य एजेंडों पर लगी मुहर। साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति को भी मिली मंजूरी। अगर आप इस खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप इस खबर को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।